हेलो जी के फैमिली, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और भाई मैं आया हूँ नीलम, जरा फोन माउंट लेने। जिन भैया से मैंने बाहर उतरो यार। जिन भैया से मैंने मैट लिए थे ना, उन्हीं भैया से जरा फोन माउंट लेना मेरे को। गाड़ी में जब तक फोन नहीं लगेगा ना भाई, तब तक बात नहीं बनेगी। नीलम आया हूँ, भैया से एक माउंट लेते हैं, फिर एक और शॉप पे जाना है ओल्ड पे। देख रहे हो भाई क्या खतरनाक गाड़ी है, क्लस्टर है भाई। इस गाड़ी का साइज अलग ही है भाई। डेकोरा वाले भैया पे आए थे, हमने इन्हीं से मैट लिए थे। अभी इन पे ये दो चीज़ें पसंद आई हैं और एक मैट में एक आइटम कम निकला छोटा सा। भैया देख रहे हैं कि क्या सीन है। पीछे गाड़ी खड़ी है, भैया देख लेंगे एक बार ही, पता नहीं कहाँ अंदर से लेके जा रहे हैं। पूरा कैद कर रखा है भैया आपने। अच्छा सारे आप पीछे से कंबाइंड है क्या शोरूम में? हाँ, और ये तो बड़ी सही चीज़ है, डायरेक्ट आ गए हम। कहाँ खड़ी है वो रही, देखो बीच वाली सीट में है एक, जहाँ बीच वाला एरिया है ना, ये देखो ये वाला जो है यहाँ पे आता ही नहीं है। इसमें पहले करो तो लगी हुई है भैया, देख लो। मतलब मैं का टुकड़ा कम बंदे का तो वेलक्रो लगी हुई है, शायद होगा ही आता हो। हाँ और इसका जुगाड़ बताओ, इसका क्या जुगाड़ है यहाँ पे ना मिट्टी। ये खाली है भाई, इसका मैट ट्रे मैट आ जाएगा। वो क्या होता है, ट्रे टाइप होती है, मतलब प्रॉपर आ जाएगा उसके हिसाब से, डाई के हिसाब से। तो प्लास्टिक का रहता है किसका रहता है? रबर टाइप होता है, जहाँ से आता पूरा है। हाँ, वो प्रॉपर होगा। स्कॉर्पियो इनका अलग से आता है? अलग से आता है, देख लेते हैं वो। अंदर जाके देख ले एक बार, ये लगा के देख ले कौन सा सही रहेगा। हाँ ये देख ले, बंद करो ले देना, पहले जरा इसे टेस्ट करूँ मैं। ले आओ, बंद करके ले आना, टेस्ट करूं फिर दिखाता हूं। तो भाई ये वाला समझ आया है, ये वाला समझ आया भाई मेरे को। कॉम्पैक्ट है और इजी टू यूज़ भी है, और एक बार यूज़ करके देखते हैं। क्वालिटी इसकी अच्छी लग रही है काफ़ी, दूसरा कुछ हुआ तो देख लेंगे। अब पोजीशन इसका देखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी जगह ना फोटो वगैरह आ रही है बीच में जो अपनी है। वो वाला दूसरा वाला ना बड़ा बहुत है यार, मतलब बहुत अपफ्रंट आ रहा है वो, मेरे को ऐसा लग रहा है मुँह पर टच हो जाएगा, काफ़ी लंबा है वो। अब चलते हैं भाई, देख लो उस पीछे से सारी शॉप्स कनेक्टेड हैं, सब एक ही कॉम्प्लेक्स में है ना। अब चलते हैं, मैट वाले का वहाँ पे सीन ही होगा कि भाई उसमें ना कोई एक्स्ट्रा टुकड़ा आता नहीं है। अरे स्टेडियम भाई देखना क्या मस्त। हाँ पूछो क्या मस्त चीज़ मिली है, इसको दबाओ दब जा। ये दूसरा नहीं खुल रहा है इसका, ये देखो है मस्त। पता नहीं कौन सी गाड़ी का है, पता है कौन सी गाड़ी का है तो बताओ। वैसे मुझे लग रहा है किसी में भी जुगाड़ लग सकता है, तो भाई लगवाना हो ना डगोरा वाले पे आ जाना। इससे भाई मैंने ये लिया है, मुझे सस्ता पड़ गया, 250 रुपये का पड़ा है, 350 का बोल रहे थे, 250 का पड़ गया। अब एक दो चीज़ें पूछनी है, भैया आए तो पूछें। अब भाई भैया से ना हमने एक स्टीयरिंग रैप और ले लिया, ये वाला पसंद करा है, और अब इसे चढ़वा दो। कितना टाइम लग जाएगा इसमें? आधा घंटा। चढ़वाओ भाई ये लगा अपना स्टीयरिंग। अपन ने ये वाला चूज़ करा है, स्टिचिंग ब्लैक धागे से ही यार। मैं वाइट का मूड था पता है, लेकिन भैया मना करने लग पड़ेगी, वाइट से मत करो। कहाँ ऑन है? अभी चला था भाई। तूने वाइपर ऑन कर रखा है? बंद तो है, कहाँ चला? अभी चला था, अब चलेगा तो बताना। ये रे। अरे यार तुमने किस पे कर दिया ये, अब नहीं चलना चाहिए। इसकी स्टिचिंग ही स्टार्ट। हाँ स्टिचिंग में, स्टीयरिंग में मेन काम तो इसका ये सिलाई का ना, सारे काम कर दूंगा। नहीं मैं कह रहा हूँ इसमें मेन तो यही है, जिसकी सिलाई में हाथ साफ हो वही बैठा सकता है इसको। ये देखो भाई ये लगती है जान इसमें पूरी की पूरी। अभी पहले पूरा कर ले तो फिर दिखाते हैं। इसमें लगभग कितना टाइम लग जाता है? 20-25 मिनट लग जाते हैं। चलो बढ़िया लगाओ, आराम से करो, कोई हमें जल्दी नहीं है भाई। अभी ना गलती से वाइपर चल गया, हम ढूंढ रहे इसमें पानी चला था सही, पर आया कहाँ से, क्योंकि नॉर्मली इसके अंदर होता है, पता है इसका कहाँ है भाई। अभी रुको फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ। ये देखो ये जो टेल लाइट है ना, इसमें भाई यहाँ पे एक छोटा सा होल है, फोकस करता हूँ। ये देखो ये जो छोटा सा होल है ना भाई, इसके थ्रू पानी आता है इसके ऊपर, यहाँ पे इसके थ्रू पानी आता है। हम भाई ढूंढ रहे हैं कि आया कहाँ से पानी, अंधेरे में पता ही लग रहा था भाई, ऊपर से आता है इसमें पानी स्कॉर्पियो एम में। तो ये एक सी है, मुझे लगा था यार कहीं ना कहीं यहाँ इसके अंदर से होगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिख रहा था। विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है यार इसकी, ऐसे कोई इशू नहीं है जो लोग कहते हैं ना। इस तरफ का ही कह रहे हैं ये एरिया साफ नहीं होता, लेकिन ये तो देख रहे हो पूरा का पूरा हेडरेस्ट के, वो हेडरेस्ट के पीछे आ जाता, तो ये एरिया वैसे ही दिखता है, इसमें इधर का ही व्यू दिखता है पीछे का, तो उस वजह से कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। भाई जो है अपना लगा हुआ है, इसने हाथ से घुमा दिया था, पहले स्टीयरिंग लॉक कर दिया। जबरदस्ती मत घुमा तो स्टीयरिंग को भाई, घुमा लो जहाँ घुमाना, अब घुमा ले जहाँ तुमने करना है वहाँ करके अपने सेट कर ले। हाँ तो फिर ऑन कर लेंगे ना। ये जो ऊपर आ रहा है ये एरिया सारा कट हो जाएगा ना? ऐसे ऐसे क्या, इसे थोड़ा पीछे कर देना ना, ताकि ये थोड़ा बैठ जाए ना, सेट कर देना इसको।
करते हैं उसको। और भाई देख रहे हो इसके अंदर जो की होल वाली लाइट है ना, ये बड़ी खतरनाक लगती है। की होल के चारों तरफ लाइट जो गोल सर्कल चलता है, एक बार ये चढ़ जाए फिर देखते हैं। और भाई रात में देख रहे हो अंधेरे में गाड़ी क्या मस्त चमक रही है भाई। एवरेस्ट व्हाइट ना इस गाड़ी को सूट करता है, इसके अंदर शाइन है वो एवरेस्ट वाली, देख रहे हो ग्लिटर्स वाले पार्ट, इसीलिए इसका नाम एवरेस्ट रखा हुआ है, एवरेस्ट व्हाइट जस्ट लाइक अ स्नो। भाई अभी ना रात को लाइट जला के देख रहे थे, भाई कौन कहता है स्कॉर्पियो रात में बढ़िया नहीं लगती, था मुझे इतनी खतरनाक लगती है ना भाई रात में मज़ेदार। मुझे इसकी टेल लाइट्स बहुत पसंद है इस गाड़ी की भाई। भाई बेशक टाइम लगा लियो पर कोई दिक्कत नहीं है। नाम क्या है भाई? निखिल कश्यप। अच्छा भाई स्टीयरिंग जो है ना ये खोलना पड़ रहा है, प्रॉपर फिटिंग नहीं बैठ रही, धागे धागे थे और जिस इशू से मैं कुछ पंगे कराना नहीं चाहता, नई गाड़ी है पर भाई से पूरा कवर खुलवा रहे हैं, देखेंगे कुछ और जुगाड़। देख भाई ऊपर कर ले ब्रेड, अंदर टच ना हो, स्टीयरिंग पे ना लगे, मेहनत टाइम दोनों वेस्ट हुआ। भाई उसका जुगाड़ तो बैठा नहीं, भाई को वापस कर दिया खड़ी वो खड़ी, ये एक और ले लिया भाई झाड़ू सी शीशा साफ करने के लिए। बाकी अब सारे में कोटिंग वाले भैया आएंगे तो उन्होंने कहा मैं आपको सब कुछ देके जाऊंगा गिफ्ट में, अब यहाँ से निकलते हैं। फ़ोन माउंट अभी तो लगेगा नहीं भाई, घर जाके लगेगा क्योंकि शीशा वीशा साफ करके पोजीशन देख के लगाऊंगा। स्टीयरिंग का नहीं बैठा भाई, स्टीयरिंग उतरवा के सीधा इन पे आया भैया, मैं बर्गर वगैरह लेने, अब यहाँ से घर जाते हैं। फ़ोन माउंट का जुगाड़ घर जाके देखूंगा, देखते हैं भाई फ़ोन माउंट भी लग जाना चाहिए। भाई जो कहते हैं इसकी हेडलाइट ख़राब है, भाई ये है इसकी लो बीम ठीक है और ये है हाई बीम। भाई क्या ही लोगे, अभी तो वाइट और करा लूँगा और ख़तरनाक हो जाएगी। दूसरा भाई हेडलाइट अगर मैं ऑफ करूँ फालतू क्यों चला के रखनी है। भाई ये देखो रात में कुछ इस तरीके का इसका दिखता है, ये सारे स्टीयरिंग कंट्रोल्स, ये भाई इसका सेंटर कंट्रोल, ये मेरा फ़ोन कनेक्टेड है इसलिए ऐसा दिख रहा है कि ये भाई उधर भी देखो एक छोटी सी वो लाइट दिख रही है ना बीच में, वो हैंडल पे है। और इधर भाई ये सारी लाइट्स, हर डोर में सारी लाइट दिखती है। अब अगर मैं बीच की लाइट जला दूँ भाई, ये देखो ये इतना प्यारा कंसोल दिखता है रात में। इंटीरियर बहुत अच्छा है इस गाड़ी का, इतना सुंदर इंटीरियर है ना, मज़ेदार वाला, मतलब देख के ही इस मज़ा सा आ जाता है इस गाड़ी में, इंटीरियर में ना बहुत सुंदर इंटीरियर है। तो भाई अभी घर आ गए थे वापस, गाड़ी लगाई है पार्किंग में और फ़ोन माउंट लगाना है, लेकिन कल जो है ना सुबह सेरेमिक वाले भैया आ रहे हैं कोटिंग वाले तो फ़ोन माउंट में ले आए। अरे लाइट बंद हो गई, चालू करनी पड़ेगी, रुको कर दी इसने, मैं कर देता पीछे वाली भी चल गई। कल सुबह जो है सेरेमिक कोटिंग वाले भैया आ रहे हैं वो लगा ले, तो मैं सोच रहा हूँ उसके बाद ही लगाऊँ, क्या पता वो शीशे वीशे पे कुछ लगाए साफ करें, वैसे अंदर से कुछ सीन है नहीं। स्टिल फॉर द बेटरमेंट देखते हैं इसे कल लगा लेंगे। बाकी ये वाला मैं लाया हूँ, मुझे सही लग रही है इसकी क्वालिटी वगैरह, भैया ने कहा अच्छा चलेगा। ये कोटिंग चढ़ी हुई है भाई इस पे, इस पे नहीं चढ़ी हुई भाई, इसके ऊपर एक वो कहा था वो उन्होंने उतार दी यार। तो कल तो बात है मैं शीट की बात हो रही थी, ये शीट कह रहे हैं इस पे से उतरी पड़ी है, इस पे तो है पूरा, ये देखो यहाँ से दिख रहा है, ये देखो यहाँ से दिख रहा है, इस पे तो चढ़ी हुई है कह रहे हैं, इसके ऊपर नहीं है यार कोई फिंगरप्रिंट तो आ रहे हैं, इसका पता करते हैं यार, कुछ टेम्पर वगैरह चढ़वा लेंगे, मतलब स्क्रीन गार्ड टाइप। बताओ भैया अगर तुम्हें पता है कि कुछ ऐसा आता है तो देख लेंगे चढ़वा लेंगे। तो होपफुली भाई ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट करके बताना। तब तक के लिए भाई बी विद योर फैमिली, लव योर फैमिली एंड पीस।